सोशल मीडिया पर बने फेक अकाउंट से सतर्क रहने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जवानों को करीब 150 सोशल मीडिया अकाउंट से बचकर रहने की सलाह दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि इन सोशल मीडिया अकाउंट की मदद से जवानों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया जा सकता है। ये फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट करीब 2 से 3 साल पुराने बताए जा रहे हैं, ताकि इन पर किसी तरह का शक ना हो। पाकिस्तान में बैठे आतंकी इन सोशल मीडिया अकाउंट की मदद से सेना के जवानों से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने की कोशिश में है। राजस्थान में हनी ट्रैप का शिकार हुए एक जवान के गिरफ्तार होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया पर निगाह बनाए हुए हैं। हरियाणा के सिरसा में जमानत पर छूटी गुरमीत राम रहीम की करीबी हनीप्रीत के मकान के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एक दिन पहले ही पंचकुला हिंसा मामले में आरोपी हनीप्रीत को कोर्ट ने जमानत दे दी थी, और जेल से निकलने के बाद हनीप्रीत सीधा सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में बनी शाह सतनाम कॉलोनी पहुंची, जिसके बाद उसके मकान के बाहर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए। ये हनीप्रीत सिरसा में अपने इसी घर पर है। सामने जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वो हनीप्रीत की सुरक्षा की वजह से ही लगाए गए हैं, कि कोई भी मीडिया कर्मी या अन्य व्यक्ति वहां पर जाकर हनीप्रीत तक ना पहुंच सके। हनीप्रीत के अंबाला जेल से बाहर आने के बाद से डेरा सच्चा सौदा के समर्थक बेहद खुश हैं, और उन्हें भरोसा है कि जल्द ही हनीप्रीत डेरे का पूरा काम संभाल लेगी। बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा, पूरी साथ संगत में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और बहुत खुशी है, हमें अपने सतगुरु पे नाज है। यही नहीं, डेरा सच्चा सौदा के एक समर्थक ने तो रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम के भी जेल से जल्द बाहर आने की उम्मीद जताई। दीदी आने से बड़ी खुशी हुई हमने, अरे हमारे गुरुजी भी जल्दी आ जाएंगे। गुरुजी गए हुए 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए। उसके जाने से सरसा में फतेहाबाद में बहुत ज्यादा नशा बढ़ गया है। अयोध्या केस पर फैसले से पहले लखनऊ में कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने अमन का पैगाम नाम से बैठक की। बैठक के बाद अपील की गई कि अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो उसे माना जाए। धर्मगुरुओं ने ये अपील भी की कि फैसले के बाद ना तो किसी तरह की नाराजगी जताई जाए और ना ही जश्न मनाया जाए। अयोध्या के सिलसिले में जो एक तारीखी फैसला आने वाला है, जिस पर ना सिर्फ ये कि पूरे मुल्क बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की निगाहें लगी हुई हैं, जो फैसला है ना, हम लोग उस पर कोई जश्न मनाएं और ना उसके खिलाफ कोई एहतजाज करें, ना कोई नारेबाजी करें। राजकोट में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में उतरते ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के नाम एक रिकॉर्ड जुड़ गया। रोहित शर्मा 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले भारत के अकेले बल्लेबाज बन गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो ऐसा करने वाले केवल दूसरे बल्लेबाज। दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के शोएब मलिक के नाम। 100वां मैच खेलने से पहले ही रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में राजकोट मैच से पहले तक 2452 रन बना चुके हैं, जिनमें 4 शतक